हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं P2P साइकिल एंड यूजर के लिए कि एंड यूजर किस तरह से परचेज ऑर्डर बनाता है, गुड्स रिसीव करता है, इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है, वेंडर पेमेंट होता है, तो वो हम सीखेंगे। ये आपका इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके ऊपर बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं P2P पे, तो आज हम पूरा इसको परफॉर्म करेंगे, पूरा इसको रन करके देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं परचेज ऑर्डर के। तो सबसे पहले P2P साइकिल में क्या होता है हमारा परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, सैप में। तो सैप में आते हैं, परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हम आते हैं लॉजिस्टिक जर्नल, मेटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, क्रिएट। क्रिएट में यहाँ पर आ रहा है ME21 एंड वेंडर सप्लाइंग प्लांट, ठीक है। ये इसका क्या है, टी कोड्स है। मैं यहां से डायरेक्ट भी टाइप कर सकता हूँ ME21। ओके, एंटर करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, परचेज ऑर्डर वाली स्क्रीन पर। ये परचेज ऑर्डर की स्क्रीन होती है और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तब भी आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये होती है हमारी क्रिएट परचेज ऑर्डर। ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पर लिखा होगा स्टैंडर्ड पीओ, अलग अलग टाइप का ये डॉक्यूमेंट टाइप्स है। किसी आप अपने अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग अपने भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो हम नॉर्मल जो यूज करते हैं एनपी डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं, स्टैंडर्ड पीओ। इसके अलावा भी इसमें मल्टीपल्स हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो हम जो यूज करेंगे वो करेंगे एनपी डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वेंडर। वेंडर जो आपकी कंपनी में वेंडर है, जिससे आप गुड्स को बाय कर रहे हो, जिसको आप इस ऑर्डर को दोगे, वो वेंडर का नाम यहाँ पर आएगा, वेंडर कोड। तो वेंडर कोड हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आपको वेंडर कोड पता है तो डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ रहा है वेंडर बाय कंट्री कंपनी कोड। आप यहाँ पर अपना कंपनी कोड डाल सकते हो, लाइक मेरा HP01 है, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और यहाँ से आप अपना वेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ विजार्ड। जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका वेंडर कोड यहाँ पर ले लेगा, बस हमें यहाँ पर एंटर प्रेस कर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, देखिए आपके यहाँ पर जो मैंने आपको ये हेडर है, ये आइटम ओवरव्यू है, ये आइटम। तो जैसे ही हमने इस पर एंटर किया तो हमारा एक हेडर में ऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा यहाँ पर ओपन हो गया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड। तो हमारी जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, HP00 है, परचेजिंग ग्रुप है HP1 और कंपनी कोड है HP0। ये बेसिकली हमने पहले से सेट किया हुआ है। अगर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये मैं एंड यूजर लेवल पे बता रहा हूँ कि एंड यूजर को ये सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, लेकिन आप अगर डिटेल में ये कोर्स पूरा करना चाहते हैं FIMM का, तो अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पे आ सकते हो, www.ijtutorial.com। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये हमारे कोर्सेज हैं SAP FICO बेसिक टू एडवांस, SAP MM, एंड अगर आप कॉम्बो दोनों करना चाहते हो एक साथ तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। आपको यहाँ से लॉग इन एंड साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पर साइन अप करना है, इस बटन से आपकी डिटेल डालनी है, क्रिएट अकाउंट कर देना है, तो आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से आप पूरा कोर्स, एज ए लाइक SAP MM का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पूरा कोर्स डिटेल में आपको किस तरह से हम ये क्रिएट करते हैं वो सब कुछ कोर्स करिकुलम यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे। तो ये हमने एंटर कर दिया, परचेजिंग, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड। एंटर करते ही एंटर, अब यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड होगी, लाइक इसका एड्रेस, जो भी हमने वेंडर बनाते समय एड्रेस डाला होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, उसके बाद आते हैं हम आइटम ओवरव्यू। आइटम ओवरव्यू पे यहाँ पर है हमारे मटेरियल, कि आप जो मटेरियल है, जो अभी आप जिसका भी ऑर्डर दे रहे हो वो मटेरियल आप यहाँ एंटर करोगे, ठीक है। किस तरह से एंटर करेंगे, जैसे सपोज मेरा एक मटेरियल है 1260, एंटर किया, ठीक है, डालते ही देखिए इनने पकड़ लिया। यहाँ पर क्या है, मेटल कोड डाला है मैंने, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि मेटल मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है।
मटेरियल सब कुछ आपको बना हुआ मिलेगा अगर आप एंड यूजर के लिए कर रहे हैं। अगर आप कंसल्टेंट के लिए जाते हैं तो पूरा किस तरह से बनाना है वो आप मेरे कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी है एंटर करेंगे, रेट यहाँ पर एंटर करेंगे, लाइक मैं एंटर कर रहा हूँ 100 रुपीज। प्लांट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, लाइक हमें डाल दें PL01। ठीक है, तो ये आपका एंटर हो गया। ऐसे ही दूसरा आइटम है तो वो हम यहाँ से एंटर करेंगे क्वांटिटी डाल देंगे 1 लाइक 50 रुपीज के रेट से एंटर करेंगे। यहाँ पर प्लांट फिर से डालना पड़ेगा। अब अगर आपके आइटम में लाइक 100 आइटम है, 50 आइटम है, 10 आइटम है, तो बार बार आपको प्लांट यहाँ पर डालना पड़ रहा है। कुछ आप अपने पर्सनल सेटिंग भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आप अगर चाहते हो ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट फील्ड हमारी सेट हो जाए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पर्सनल सेटिंग का। पर्सनल सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप हमारा स्टैंडर्ड पीओ, जो हमने जैसे ही परचेज ऑर्डर स्क्रीन ओपन की थी डॉक्यूमेंट टाइप ओपन ले लिया था ने डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर सेट है। ऐसे यहाँ पर सेट कर सकते हो परचेज ऑनेशन। जो परचेज ऑनेशन आ रही है वो यहाँ पर आप अपनी एंटर कर सकते हो। जब भी आप ऑर्डर क्रिएट करोगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। परचेजिंग ग्रुप, जैसे ही आप परचेजिंग ग्रुप लोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक हम यहाँ पर देते हैं HP00HP1 परचेजिंग ग्रुप और कंपनी कोड क्या है HP01। तो ये मैंने अपनी पर्सनल सेटिंग यहाँ पर इसे सेव। अब हम बाहर आते हैं। ठीक है, हम बाहर आते हैं दोबारा से परचेज ऑर्डर स्क्रीन। ओके, देखिए जैसे ही मैंने परचेज ऑर्डर स्क्रीन ओपन करी ऑटोमेटिकली इसने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। ओके, और परचेजिंग ग्रुप भी आ रहा है। अब मैं एंटर जैसे ही डालूंगा यहाँ पर एंटर करूंगा, देखिए बाय डिफॉल्ट इन्हें सेलेक्ट कर लिया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ मैंने पर्सनल सेटिंग में डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर एंटर की। इस तरह से आप मोर फील्ड यहाँ से ले सकते हो। करेंसी, पेमेंट टाइम, इनको टर्म्स को यहाँ से आप इसी तरह से यहाँ पर ये पीओ हेडर है, ये है पीओ आइटम। पीओ आइटम के आइटम लेवल ये है हमारा, ये हेडर है और ये आइटम। ऐसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आपको आइटम कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी है। डिलीवरी प्लांट, जैसे प्लांट मेरा पी एल 12 बजे डालना पड़ रहा है, प्लांट मैंने डाल दिया PL01। अब PL01 डालने के बाद सेव करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली PL01 PL01 इनने प्लांट में ले लिया। जितनी भी आइटम मुझे डालनी है दोबारा प्लांट पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। ओके, तो पीओ आइटम में आते हैं। ऐसी स्टोरेज लोकेशन आपको डालनी है, लाइक हमने डाली ST01। जब भी मैं लूंगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी मोर फील्ड आपको कुछ लेनी है तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी पर्सनल सेटिंग। ओके, तो पर्सनल सेटिंग में हम एक चीज ST01 स्टोरेज लोकेशन हम नहीं ले रहे हैं, वो हम बाहर डालते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम अपनी आइटम डालते हैं, लाइक 160 एंटर करेंगे, क्वांटिटी देखिए ऑटोमेटिकली प्लांट पकड़ रखा है। ऐसे डाल देंगे सेकंड आइटम, कितना 150 के रेट से। ठीक है, तो ये हमारा कुछ चीजें हैं जो आप पर्सनल सेटिंग के थ्रू अपनी डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जितनी भी लाइन आइटम मैं डालता रहूंगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली Item 1 2। ठीक है, तो जितनी भी आइटम उस आइटम के अकॉर्डिंग उसके यहाँ पर कंडीशन उसकी दिखाएगा। ये फर्स्ट आइटम है, ये हमारी सेकेंड आइटम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कंडीशन दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर और भी टैब्स हैं, मेटेरियल डेटा है, ठीक है, कौन सा मेटेरियल ग्रुप है, ठीक है, क्वांटिटी भी यहाँ डाल सकते हो, शेड्यूल यहाँ पर डाल सकते हो कब आपको शेड्यूल करना है, डिलीवरी ओवर डिलीवरी चाहिए, अंडर डिलीवरी। ओवर डिलीवरी में क्या होगा कि लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया परसेंट 10%, 10% अबव की मैं ऑर्डर डिलीवरी दे सकता हूँ। तो 100 क्वांटिटी है, ठीक है, अब मैंने डाल दी 10% अबव, तो मतलब 10% ज्यादा की मैं ओवर डिलीवरी इस ऑर्डर पे ले सकता हूँ। अंडर डिलीवरी डाल दी तो मैं इससे कम की ले सकता हूँ। तो यहाँ पर ओवर डिलीवरी भी डाल सकते हैं, शिपिंग इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, स्टॉक टाइप अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अलग अलग टाइप के कंपनीज के अलग अलग टाइप के स्टॉक्स होते हैं। कई कंपनीज क्या करती हैं कि स्टॉक को जब प्रोक्योरमेंट करती हैं तो उसमें होता है क्वालिटी चेक के लिए जाता है, वो ब्लॉक स्टॉक होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है, तो
तो वो आप जब ऑर्डर बनाओगे तब आप सेलेक्ट करोगे। तो अभी नॉर्मल हम अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस पे आते हैं। इनवॉइस पे यहाँ पर आप टैक्स लगा सकते हो कि जो आइटम ले रहे हो किस आइटम पे कितना टैक्स है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो अभी मैं विदाउट टैक्स कर रहा हूँ। तो इसे होने के बाद इसको यहाँ से चेक कर देते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। नो मैसेज इशू ड्यूरिंग चेक एंड प्रिंट प्रीव्यू चेक। प्रिंट प्रीव्यू में ही आ रहा है हमारी दो आइटम का ऑर्डर है, 150 रुपये का टोटल ऑर्डर है हमारा, ठीक है। तो 100 का ये है एंड 50 का ये है, ओके। और हेडर कंडीशन में आप यहाँ से चेक कर सकते हो टोटल कितना है, नेट 150, ओके। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे सेव करेंगे। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे हमारे पास एक नंबर जनरेट होगा, स्टैंडर्ड पीओ क्रिएटेड अंडर नंबर 4500017144, ये ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के थ्रू हम क्या करेंगे, मीगो, ओके। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अब आते हैं गुड्स रिसीव। गुड्स रिसीव इसमें होता है करते हैं मीगो एंटर करेंगे। जैसे हम मीगो में एंटर करेंगे इस तरह की आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ लिखा है गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है गुड्स रिसीव्ड, ठीक है। बाकी अगर आपको ये पूरे डिटेल में सीखना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं एंड यूजर लेवल पे आपको बता रहा हूँ। तो गुड्स रिसीव यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लेंगे परचेज ऑर्डर, और जो परचेज ऑर्डर हमने बनाया था उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसको एंटर कर परचेज डॉक्यूमेंट 4500017144 नॉट येट रिलीज। रिलीज भी एक प्रोसीजर है कि जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं उसके बाद हमें उसको रिलीज करना होता है। अगर आपकी कंपनी में रिलीज स्ट्रेटेजी है तो आपको वो रिलीज करना पड़ेगा। ME29N पे आएंगे, रिलीज स्टैंडर्ड में आ गए, ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिलीज स्ट्रेटेजी, इसको रिलीज कर देंगे, इफेक्ट हो गया, इसे सेव। मीगो पे आएंगे, अब ऑर्डर नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते ही देखिए अब रिलीज हो गया है, यहाँ पर पिक कर लिया इसने ऑटोमेटिकली ऑर्डर से आइटम। अब यहाँ आएगा, पहले पूछेगा डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट नंबर जो भी चालान नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। लाइक हम डालते हैं WH01, बिल ऑफ लैंडिंग जो LR नंबर होता है LR नंबर डाल देंगे, ओके। इतना होने के बाद यहाँ मेटल आ जाएगा, ठीक है। कौन सा मेटल है, क्वांटिटी कितनी है, गुड्स रिसीव्ड किस में हो रहा है, 101 अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक 101 पे होता है। मूवमेंट टाइप किस लोग कहाँ पर, स्टोरेज लोकेशन हम यहाँ डाल देंगे ST01, एंटर करेंगे, ओके। परचेज ऑर्डर इस परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। इसी तरह हमारा इसको हम नीचे से ओके कर देंगे, एंटर। दूसरी आइटम हम ले लेंगे वेयर कहाँ पर है, इसको भी हम ST01 पे ले लेंगे। दोनों आइटम हमारी ओके हो गई, सब कुछ ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं। जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या आ रहा, लिखा हुआ पॉसिबल पोस्टिंग ओनली पॉसिबल पीरियड 1213 इन कंपनी कोड, मतलब कि पोस्टिंग पीरियड ओपन नहीं है। एज एंड यूजर पोस्टिंग पीरियड जो वेरिएंट जो हमारे ओपन क्लोज पीरियड होता है ये बैकएंड से होता है, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ किस तरह से आपको पीरियड ओपन क्लोज करना है। तो आपको आना है MMPV में, MMPV ट्रांजेक्शन कोड होता है, कौन सा कंपनी कोड है वो डाल देना है, पीरियड किस पीरियड को आपको ओपन करना है। लाइक मैं जो यूज कर रहा हूँ इसमें जनवरी टू मार्च फिस्कल ईयर यूज कर रहा हूँ, K4, तो मार्च हमारा चल रहा है तो थर्ड पीरियड होगा, तो थर्ड पीरियड डाल दिया। उसके बाद हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट, ये हमारा ओपन हो गया MMPV ट्रांजेक्शन, ओके। अब हम इसे चेक करते हैं, चेक कोई एरर नहीं है, डॉक्यूमेंट इज ओके है, ग्रीन हो गया है, तो हम इसको यहाँ से पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करते ही हमारी अकाउंटिंग एंट्री हिट होगी GL में, जब हमारी इन्वेंट्री आएगी तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, GIL हमारा क्रिएट। देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी GRN नंबर आया है, ये GRN नंबर आया 102, यहाँ से हम डिस्प्ले में करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ से डिस्प्ले
इसमें मैं आके यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, डॉक्यूमेंट इन्फो में आएंगे, ये एक FI डॉक्यूमेंट हमारा हिट होगा। ये किसके थ्रू होता है हमारा? बेसिकली FIMM इंटीग्रेशन के थ्रू। ये भी मैंने अपने एक वीडियो बताया हुआ है, बाकी आप मेरे कोर्स में देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, GIR क्लियरिंग अकाउंट, दो आइटम थी तो दो की इसने एंट्री यहाँ से पोस्ट कर दी। इतना हो गया हमारा काम। अब हमारे को क्या करना है, मायरो। मायरो मतलब इनवॉइस आएगा, तो मायरो करने के लिए स्लैश एन मीरो में आएंगे। मीरो में आ गए, मीरो में यहां से हम लेंगे इनवॉइस, ठीक है, यहां पर हम वो डाल देंगे और एंटर कर देंगे। और हमारा जो ऑर्डर नंबर था वो था हमारा 1 वाला, ये ऑर्डर नंबर था, ये हमने राइट डाउन नहीं करा इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम इस ऑर्डर नंबर को यहाँ मेंशन करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा डॉक्यूमेंट ओके है, यहाँ देखिए 150 आ रहा है। अब अगर इसकी आपको हिस्ट्री चेक करनी है इस ऑर्डर की, तो हिस्ट्री पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो एक ME23N होता है डिस्प्ले ऑर्डर, ME21N होता है, 23N में आ गए स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। अब यहां पर आएंगे हम, अब आइटम ओवरव्यू पे यहां पर आएंगे, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे क्या है, हमारी GRN गुड्स रिसीव हो गया है, ठीक है। अभी हमारा गुड्स रिसीव हुआ है 101 पे ऑनली, ठीक है, अभी मायरो नहीं हुआ है। तो मायरो हम कर रहे हैं, तो मायरो हम कर रहे हैं, 150 रुपए का ही था, तो 150 रुपए यहाँ से हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करके एंटर, देखिए ग्रीन हो गया, मतलब 150 एंड 150, तो हो गया। सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट करके एंट्री चेक करते हैं, एंट्री होगी GIR, पहले क्या हुआ था हमारा क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा डेबिट, और वेंडर को हमें पेमेंट करनी है, तो वेंडर 150 रुपए से क्रेडिट हो गया, हमारे पर लाइबिलिटी बढ़ गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, पोस्ट। पोस्ट करते ही हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। पोस्ट होने के बाद अब हमें इस वेंडर को पेमेंट करेंगे किसके थ्रू, F-53 स्लैश एन F-53 के हम पेमेंट करेंगे, एंटर करेंगे। कितने पेमेंट करना है, किस अकाउंट से पेमेंट करना है वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो हम पेमेंट कर रहे हैं किससे, कैश से सपोज, कितने रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, 150 रुपीज। किसको पेमेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली फाइनेंस पर्सन का काम होता है पेमेंट करना, और मायरो का रिजल्ट को प्रोसेस ओपन आइटम। तो हम इनको डबल क्लिक करके सबको डीएक्टिवेट कर देते हैं, और ये जो इनवॉइस है हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं बेसिकली, ये हमारा क्या है, मायरो डॉक्यूमेंट है, 150 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ से। डिस्प्ले करने के बाद विजार्ड हमारा डेबिट हो गया, कैश हमारा 150 से क्रेडिट हो गया। तो इसमें जो हमने सीखा, परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीव किसका काम होता है, MM में, और जो इनवॉइस वेरिफिकेशन वेंडर पेमेंट का काम होता है किसका होता है, हमारा फाइनेंस का। तो इसलिए ये पूरा साइकिल P2P साइकिल में आता है। तो इस तरह से एंड यूजर काम करता है। और बाकी अगर डिटेल में आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, तो हमारे इससे बेसिक टू एडवांस MM कोर्स को आप ले सकते हो, पूरे डिटेल में आप सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।